मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में विभाजन हुआ, लेकिन उसका असर झारखंड में नहीं पड़ा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को अब तक समर्थन दे रहे जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक हैं हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, वो हमारे साथ हैं। इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, क्या फैसला लिया है आपने? देखिए, हम लोग माननीय अजीत पवार जी के साथ हैं, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हैं, और वहाँ से जब भी उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और ऐसे भी हम लोग आज की बात, ये तो अभी तुरंत ऐसा फ्रिक्शन हुआ है, हम लोग करीब करीब आज नहीं भी तो 4-5 महीना पहले ही लेटर दिए थे कि अगर 31 अक्टूबर तक हमारा जो जिला का मांग है हुसैनाबाद को जिला बनाने के लिए, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 1 नवंबर को इस्तीफा दे देंगे। ये हुसैनाबाद को जिला हुसैनाबाद को जिला बनाने की क्या अर्थाएँ हैं? जो अर्थाएँ हैं वो पूरी करते हैं। हम जब कैबिनेट मंत्री थे 2005 में, तो हम 3 प्रखंड बनाए थे। आपको जानकारी होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकारी भी होगा कि हम हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पीपरा, जो अति नक्सलवाद क्षेत्र था, इसको हम प्रखंड बनाए थे। हम पूरे कागजात के साथ कंप्लीट करके सारी प्रक्रिया मेरा पूर्ण है, दिया हुआ है। 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर हुसैनाबाद को जिला के लिए मांग रखे थे। अब आप सोच लीजिए, 5 प्रखंड जहां है वहां तो आप जिला दे दिए हैं, और हमारा 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल है, इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है, यही हम जानना चाहते हैं। माननीय शरद पवार जी 2021 में 7 मार्च को हरमू के मैदान में आए थे और उन्होंने स्पष्ट यहाँ से हम लोग मांग पत्र दिए थे, उसमें जिला का ही मेन मुद्दा था, और उन्होंने मंच पर बोला कि हम कमलेश जी हुसैनाबाद को जिला बहुत यथाशीघ्र करवा देते हैं। 5 बार या 4 बार उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिए, फ़ोन से भी बोले, लेकिन आज तक कभी जिला की कार्रवाई नहीं हुई। बहुत अफसोस की बात है। क्या फ़ायदा होगा वहाँ के लोगों को अगर जिला बनता है तो? देखिए, वहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री था, उसमें हमारा हुसैनाबाद हरियरगंज के एरिया का, उस एरिया का कम से कम तो 3-4 हज़ार नौजवान काम करते थे। आज सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया 92 में, वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। और जिला का जब सारा प्रक्रिया पूरा करता है, आपका डाल्टेनगंज हेडक्वार्टर हुसैनाबाद से 90 किलोमीटर दूरी पर है, नक्सल क्षेत्र है, जब सारा प्रक्रिया पूरा कर रहा है, आबादी से लेकर जो प्रक्रिया होता है प्रखंड का, 9 प्रखंड 2 अनुमंडल, तब फिर क्यों नहीं जिला बनाइएगा? या आप भी सोचिए, उसको जिला बनने से नौजवानों के जो विकास है, जो नौजवानों में नौकरी मिलेगी, उसका रोजगार मिलेगा, तो ये सब देना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है आपको? आप भी तो सरकार चला रहे हैं, तो आप जनता के लिए ना, जनता के लिए ही आपको MLA बनाए, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो जनता के तो दर्द को समझना चाहिए। ये आगे क्या करेंगे कमलेश जी, अगर ये बनता नहीं है तो? हम तो बोलती है ना, 31 अक्टूबर तक मेरा लेटर है, जिसकी जानकारी हमारे माननीय अजीत पवार जी को भी है, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब को भी है, हम लोग बोल दिए हैं, बातचीत हो गई है, अगर नहीं बना तो 1 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक अपना प्रदर्शन करके, हम जो सपोर्ट दे रहे हैं UPA को, वह सपोर्ट विथड्रॉ कर लेंगे। राजभवन को आप सूचना देंगे? हाँ, इसकी सूचना देंगे, और राजभवन पास ही हम अपना अथी करेंगे इसके लिए, तो हम लोग करेंगे इसके लिए। लेकिन एक बात है कि जब आप अजीत पवार के साथ हैं, तो ऐसे में तो वो BJP के साथ हैं, तो हेमंत सोरेन आपकी मांगों को क्यों तवज्जो देंगे आखिर? यह मांग हम अभी नहीं किए थे, यह मांग किए हुए आज 2.5 साल से ऊपर हो गया, 3 साल, ये मैटर तो यह भी हुआ है, 3 साल से हमारा यह मांग था, और माननीय शरद पवार जी ने बोले थे कि बहुत जल्द हो जाएगा, महीना दिन के अंदर इसको हम करवा देंगे, लेकिन हुआ नहीं ना, 3 साल बीत गया ना, 21, 22, 23, 21 मार्च को, 7 मार्च 1921 को, 2021 को हम लोग किए थे,
तो इतना दिन हो गया, आज का थोड़ी है। और इससे हम लोग को अब यूपीए से जो है मन हम लोग का छोटा हो गया है। यूपीए कोई काम नहीं किया है और ना कोई करेगा, इसलिए जहाँ काम होगा वहीं विकास होगा। क्या माना जाए कि बीजेपी को एक और नया साथी मिल गया है, एनडीए फोल्डर में आप जाएंगे? हम लोग तो हैं ही अथी, माननीय अजीत पवार जी जहाँ रहेंगे और प्रफुल्ल पटेल साहब वहीं पर हम लोग हैं, ये तो डिक्लियर है। आपका 42 MLA महाराष्ट्र के हैं, 7 जो हैं आपका ये मणिपुर के हैं, 1 झारखंड का है, तो आप जोड़ लिए 50 MLA तो हम लोग के साथ हैं, MP भी हैं, MLC भी हैं, तो हम लोग तो दिए हैं। कमलेश सिंह को अब देखा जाएगा बीजेपी के साथ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ हमारा नेता जाएगा वहीं पर हम जाएंगे, लेकिन हम घड़ी के साथ हैं और अभी चुनाव आयोग के पास है मैटर, और चुनाव आयोग का जो डिसीजन होगा, हम तो बोले ही हैं कि हम घड़ी के साथ हैं। ये थे कमलेश सिंह, जो हेमंत सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं और एक तरह से नोटिस भी कि अगले 1 नवंबर तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में 1 नवंबर को राजभवन की सूचना देने के साथ ही वो NDA फोल्डर में तो नज़र आएंगे ही, बल्कि हेमंत सरकार के खिलाफ बिगुल भी फूकेंगे। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।